हेलो गाइस, जिम में इशू ना गाइस। अभी अभी मैं जिम से घर आया हूँ अपना वर्कआउट लगा के, और अब मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। टाइम हो गया है अपना पोस्ट वर्कआउट मील जो है प्रिपेयर करने का। और ये जो मील रहेगी इससे आपको 40 से 50 ग्राम प्रोटीन इजीली मिल जाएगा। जिन लोगों को हमेशा टेंशन रहती है, जो नए बिगिनर्स रहते हैं कि हम प्रोटीन कहाँ से अपना पूरा करेंगे, तो यहाँ से तुम्हारा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा होने वाला है। गाइस बने रही वीडियो के साथ। गाइज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा चिकन रेसिपी जो मैं डेली कंज्यूम करता हूँ फॉर द मसल बिल्डिंग। और जो भी बिगनर्स हैं इस मील को कंज्यूम करते हैं अपने घर की बने हुए खाने के साथ, तो उनका जो मसल बिल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होने वाला है। क्योंकि अगर हेल्दी खाओगे तभी तुम्हारा जो शरीर है वो हेल्दी बनेगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल यूशू फिटनेस सीरीज फॉर अपकमिंग अपडेट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 150 से 200 ग्राम चिकन चाहिए, और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च ले लेनी है आपको पिसी हुई। लहसुन यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, साथ में थोड़ी सी हरी मिर्ची और कुछ बीन्स मैंने काट कर रखे हुए हैं, जो सभी हम इस कुकर के अंदर डालेंगे। और जब आप ये सब कुकर में डाल दोगे ना, तो उसके बाद आपको 1 से 1.5 गिलास पानी इसमें यूज़ करना है। ज़्यादा पानी आपको यूज़ नहीं करना है, और ढक्कन आपको कुकर वाला नहीं लगाना है, प्लेट ऊपर आपको रख देनी है। और 5-10 मिनट में आपकी जो ये रेसिपी है वो बन के तैयार हो जाएगी। और एक और पते की बात गाइस, जब भी आप किसी से पूछोगे कि भैया बॉडी कैसे बनती है, तो वो इतने बेकार से जवाब देते हैं ना, तो सामने वाला डर जाता है कि बहन चो बॉडी बनानी तो है बट एक्सपेंसिव बहुत है। लोग कहते इस तरह से है कि भैया क्रिएटिन ले लो 10-10 ग्राम, और कुछ मेरे भाई 20-20 ग्राम क्रिएटिन भी ले रहे हैं दिन की। तो भैया ये सब मत करो, उल्टा तुम्हारा ही यहाँ पे नुकसान होने वाला है। आपको हमेशा यहाँ पे सेफेस्ट वे में चलना पड़ता है ताकि आपकी बॉडी को कोई नुकसान ना हो। और यहाँ पे आप नमक जो है ना स्वाद अनुसार गाइस स्प्रिंकल कर सकते हो इसके ऊपर। थोड़ा सा नमक आपको यूज़ करना है, थोड़ा सा गर्म मसाला भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। और रही बात कॉम्पिटिटिव लेवल के बॉडी बिल्डिंग की, तो भैया बाहर से आपको टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो घुसेड़ना ही पड़ता है। उसके बिना आपके बॉडी की उतनी औकात नहीं है कि उतना मसल मास होल्ड ऑन कर पाए, बिकॉज बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं होती है। उतना मसल तुम्हारी बॉडी को चाहिए ही नहीं होता है, बॉडी उसको ऑटोमेटिकली डिप्लीट कर देती है। तो यहाँ पे 10-15 मिनट हो चुके हैं गाइस, और हमारा जो चिकन रेसिपी है वो बन के रेडी हो चुका है। अब ये जो लोग प्रोटीन प्रोटीन करते रहते हैं, ये देखो भाई 40 से 50 ग्राम प्रोटीन यहाँ पे नाच रहा है। आपको डेली कंज्यूम करना है इसको, ठीक है, खाओगे तो बनोगे। तो फाइनली गाइस हमारी जो मील है वो बन के रेडी हो गई है। अभी इसको हम निकाल लेते हैं बर्तन के अंदर, इसको निकाल लेंगे। और गाइस कोई ज़रूरत नहीं है आपको डब्बे वाला प्रोटीन लेने की, अगर आप नेचुरली घर की डाइट से जो है अपना रिक्वायरमेंट पूरा कर लेते हो। मैं भी खुद सप्लीमेंट वाला प्रोटीन यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अभी कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में नहीं हूँ, तो मेरे को उतना प्रोटीन चाहिए ही नहीं होता है, तो मैं क्यों खाऊँ। सो फाइनली गाइज हमारी चिकन रेसिपी जो है बनके तैयार हो चुकी है, जिसको मैं काफ़ी सालों से खाता आ रहा हूँ और काफ़ी सालों तक खाता भी रहूँगा, बिकॉज हमें मसल्स जो हैं वो चाहिए। और प्रोटीन जो है मेरा मेन चिकन से ही आता है, मेरा मेन सोर्स प्रोटीन का चिकन ही है। तो मैं दिन में 3 मील जो हूँ चिकन की कंज्यूम करता हूँ, ताकि मेरा जो डेली का जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो पाए और मेरी बॉडी जो है वो मस्कुलर बनी रहे। और अगर आप इस मील को डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हो, तो आप मानो या ना मानो आपकी एक तो स्किन क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगी, दूसरा आपके मसल्स तो बनने ही वाले हैं। क्योंकि जिम जाने से आपका शरीर सिर्फ टूटता है, वो अगर उसको रिपेयर करना है तो वो किचन में आके ही होगा। उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।